वो एक हकीकतन वो एक औरतों की सल्तनत है, खवातीन की सल्तनत है। वैसे आप मेरे घर पे भी आएंगी तो आपको पता लगेगा कि औरतों की हुक्मरानी कैसी नहीं होती है। ये सिर्फ कहने की बातें, औरतों की हुक्मरानी घर पे नहीं चल सकती। आई एम सॉरी, क्यों आमना? ये बड़ी हाँ डिबेटेबल इशू है। हाँ। ये औरत कितनी स्मार्ट होती है, किस तरह चला सकती है, उसके ऊपर बड़ा मुनस्सर होता है। तो आमना, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी? क्या आपको लगता है नॉमिनेट हुई है तो जीत जाएंगी? आई डोंट नो, सी इट्स हम लोग के कैंस में गए हैं, इट्स शॉर्ट फिल्म कॉर्नर में गए हैं, इट मींस कि दुनिया में जितनी भी वो फिल्में जो 15 मिनट से कम बनाई गई हैं उसका वो लोग स्क्रीनिंग करते हैं। सही। एंड हम लोग जो बेस्ट 20 या बेस्ट 12 में से ये लोग सिलेक्ट करते हैं, दुनिया भर में से हजारों फिल्में आती हैं। अल्लाह का शुक्र हमारी उसमें आई है। देखना ये है कि लोगों को हम बेसिकली कॉम्पिटिशन स्क्रीनिंग अवार्ड नहीं है, ये बेसिकली फेस्टिवल होते हैं जहाँ पे आपकी बेहतरीन फिल्में दिखाई जाती हैं। अच्छा, मगर लोग अक्सर मुझे पूछते हैं कि आप इतनी पॉजिटिव स्टोरी लेके जा रही हो तो लोग देखेंगे या फिर पलट के आ जाएंगे फिर ऑफिस पढ़ के? आई थिंक यकीन है कि हाँ देखेंगे जरूर, क्योंकि जहाँ पे ऐसे मैं खुद एक बाहर पाकिस्तान से बाहर रहती हूँ, जहाँ कोई दूसरा फॉरेन मुस्लिम से पूछता है कि आपको घर में पाकिस्तान में कितनी बार पिटाइयां होती हैं। जी जी बिल्कुल। आमना, हम यही बात कर रहे थे मैं और अरसलान के, देखें अगर सेविंग फेस में हमने ये दिखाया कि औरत मजलूम है उस पे तेजाब आया तो हम क्यों ना एक पॉजिटिव पहलू भी अपनी औरतों का दिखाएं। बिल्कुल, मतलब हम वो क्यों ना दिखाएं जब औरत गिलास उठाती है उस आदमी के मुंह में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ एक अब फिल्म बननी चाहिए जिसमें औरत तेजाब गिरा रही है। मतलब हम लोग इतने कमजोर नहीं है। बिल्कुल, हालात हमें कुछ कर देते हैं, बना देते हैं। बिल्कुल, एटलीस्ट हमारे पब्लिक बस से मैं चली जाए और वुमेन सेक्शन के लिए चली जाए। बिल्कुल, और एक औरत से पूछो बाहर क्यों निकली हो, किस तरह 20 लोगों के घर में चला रही है वो, क्या ही कमजोर औरतें। और एटलीस्ट हमारे आमतौर पर मर्द दो एक बीवी बच्चे को खाना खिलाने के बाद 4 घंटे लेक्चर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह, उससे पूरे नस्लें बना रही होती है। और आप सोचे एक औरत जो सुबह से काम कर रही होती है, घर भी देख रही होती है, सब कुछ कर रही होती है, वो एक दफा भी नहीं अपने मुंह से ही बात निकालती। मतलब इवन यू एंड मी, हम लोग घर से बाहर निकलेंगे क्या, हम अगर हम कमजोर औरतें होती तो क्या हम इसका बैठी भी? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है। बिल्कुल सही, ठीक है, हम हर खानदान का माशरे में कमजोरियाँ होती है, हमारे माशरे में भी है, हमारा फर्ज है उनको सही करें। मगर अगर एक तब मैं लोगों से कहती हूँ इफ यू आर पार्ट ऑफ आवर एग्जैक्टली, आई थिंक आमना आप लोगों ने यू डन अ ग्रेट जॉब। अब वो तो देखने पे हमें पता चलेगा मूवी कैसी है, बट आई थिंक साउंड्स रियली गुड। क्या चाहते हैं मेरा और सलमान का ख्वाब यही कि कराची के गली गली नुक्कड़ में हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह चलें। थैंक यू सो मच आमना, थैंक यू, नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू जी अरसलान। अच्छा अरसलान, अगर हम समझे, अब वो तो उन्होंने मुझे बता दिया कि क्यों हमने नाम रखा, वो आपने भी एक्सप्लेन कर दिया था। अरसलान, औरतों के ऊपर अगर मूवीज बनना चाहे ना तो बहुत ज्यादा बन सकती है। सबसे पहला इशू तो ये है जो हमारे यहाँ चाइल्ड अब्यूज है, लड़कियाँ छोटी छोटी रेप हो जाती हैं, उनके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं, वो कितना बड़ा केस है, एक बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल, ऐसी मूवीज पे कब काम शुरू होगा? यहाँ तो हेजिटेट फील करते हैं कि यार, मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान, मुझे सॉरी मैं फ्रस्ट्रेशन नहीं फैलाने की कोशिश कर रहा, बट पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है या जो फिल्म मेकर्स हैं, एक तो बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जो इन लाइन्स के ऊपर सोचे, जिन पे आप बात करिए, मैं बात कर रहा हूँ, या शर्मीन बात करिए, आमना बात करें, ठीक है, अब पूरे पाकिस्तान से 8-10 लोग ऐसे होंगे जो इस तरह की बात सोचते हैं। फिर आप आ जाते हैं रिसोर्सेज के ऊपर। मुझे रिसोर्सेज नजर नहीं आती कहीं पर कि लोग इनके ऊपर काम कैसे करें और लोग इस पे पैसे कैसे इन्वेस्ट करें और इस पे किस तरह से वो करें। तो मुझे लगता है कि हम हर साल 1-2 डॉक्यूमेंट्रीज बना करके बड़े खुश हो जाया करेंगे, बिकॉज गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं है, कॉर्पोरेट इदारों की बैकिंग नहीं है, लोग अपने ओन के ऊपर कितना कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। अभी एक फिल्म आई है पिछले दिनों, शोएब साहब ने की थी बोल, और उसमें बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन मार्क्स जो है वो उनको उन्होंने एड्रेस किया है इसी तरह की सारी बात। और देखिए उस मूवी के बाद कितने लोगों को फिर भी समझ कमी आई होगी। देखें बात ये है कि बात है एजुकेशन की, फिल्म एक ऐसा मीडियम है जिसमें आपको 300-400 रुपये खर्च करके सिनेमा आपको जाना पड़ता है और आपको फिल्म देखनी पड़ती है, ठीक है, उसके लिए आपको बहुत हैवी मार्केटिंग बजट चाहिए, आपको बहुत हैवी प्रमोशनल बजट चाहिए, ठीक है। अगर आज इन 2-3 मूवीज़ को जो देखी हैं लोगों ने, बोल टाइप की जो जितनी मूवीज आई हैं,
उसकी वजह है कि उसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग प्लान है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री लैक करती है सिर्फ एक जगह पर, कि हमारी मार्केटिंग एंड प्रमोशनल स्ट्रेटजीज नहीं है, जीरो है, हम उस तरह सोचते ही नहीं है। मैं बहुत अच्छा कॉन्टेंट सोच लूँगा, मैं बहुत अच्छी प्रोडक्शन टेक्निक सोच लूँगा, मैं बहुत अच्छे प्रोडक्शन स्टाइल से काम कर लूँगा, बट मैं ये नहीं सोचूंगा कि इसको मुझे प्रमोट कैसे करना है और सारी चीज़ें। तो असल बात ये कि हमें टेलीविजन के ऊपर अपनी लिमिट्स के अंदर रहते हुए इन चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए, नंबर वन। एंड नंबर टू, इसके अलावा मतलब हमें हमारा करिकुलम जो है हमें उसके अंदर चीज़ें चेंज करनी चाहिए, हमें अपने अपने लोग जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं हमें उनको चीज़ें बतानी चाहिए, हमें हम उन सतही चीज़ों से जो वो जो मटेरियल चीज़ें जो 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 एक एक उसके ऊपर हैं उससे हट के भी हमें बच्चों को एजुकेट करना चीज़ों को, मतलब उसमें कोई हर्ज नहीं है मेरे ख्याल से, कोई बुरी बात नहीं है। अगर हम इन टॉपिक्स पर बात करें तो आई थिंक लोग, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्या बुराई अगर हमारे बच्चे जो आने वाली जनरेशन है अगर वो एजुकेट हो रही है इससे। फ्यूचर प्लान्स अपने बताए हैं सलमान, डॉक्यूमेंट्री के हवाले से और भी प्रोडक्शन। हाँ जी, डॉक्यूमेंट्री हम लोग अभी मैं और आमना एक इस साल दोबारा प्लान कर रहे हैं, और वेरी डिफरेंट टॉपिक, अभी तक पाकिस्तान में एटलीस्ट काम नहीं हुआ उसके ऊपर, मुझे बाकी इंटरनेशनली नहीं पता कि उस पर काम हुआ कि नहीं हुआ, बट हम एक डिफरेंट टॉपिक लेकर आ रहे हैं, सिर्फ औरतों के ऊपर नहीं है, और भी चीज़ें उसके अंदर हैं, मर्दों को भी इंपॉर्टेंस दें प्लीज। काफ़ी ग्लैमरस नज़र आएगी वो डॉक्यूमेंट्री, काफ़ी एंटरटेनिंग होगी इंशाल्लाह। उस पर हम काम कर रहे हैं, फीचर फिल्म एक मैं अभी लिख रहा हूँ आजकल, एक सोशल एक रिलीजियस टैबू है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और वो एक फिल्म लिख रहा हूँ मैं, और बाकी छोटी मोटी प्रोडक्शन चल रही है। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत मज़ा आया, आई होप हम ये हमारे पास आ जाए ये कैनस अवार्ड इंशाल्लाह, एंड दोबारा से आपको और आमना को विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बहुत ख्याल रखें, अच्छा सा दिन गुजारें, और हमें ईमेल कर सकते हैं अपने फीडबैक के लिए, आप हमें छूलो आसमान @news1tv.tv पर, और मैसेज ऑन www.facebook.com/छूलो आसमान। कल इंशाल्लाह एक नए शो के साथ मैं आऊँगी, खुदा हाफिज़।